कुदगन क्षेत्र के गांव कपूरापुर में एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ एक दरिंदे ने दरिंदगी करने का प्रयास किया है। राजपाल प्रजापति की पुत्री अपने घर से महज लगभग 500 मीटर की दूरी पर खेत पर बाली बीनने गई थी। इस दौरान खेत में बैठे आरोपी युवक अमित पुत्र सत्यपाल निवासी कपूरापुर ने पहले 7 वर्षीय बच्ची को गन्ना खिलाने के बहाने बुलाया, परंतु बच्ची ने गन्ना खाने को मना कर दिया। तभी आरोपी युवक ने लड़की को पकड़कर जबरन गन्ने के खेत में खींच लिया और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बच्ची चीख पड़ी। बच्ची को शांत कराने के लिए आरोपी युवक ने उसके मुंह में गन्ना ठूसने का प्रयास किया एवं उसके शरीर को भी गन्ने से क्षतिग्रस्त किया गया, जिससे उसकी हालत लहूलुहान हो गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोस के खेत में उसकी बहन धान की बाली बीन रही थी, जो कि मौके पर जा पहुंची और चहल पहल होता देख लड़की की मां भी खेत की ओर दौड़ पड़ी, जिससे आरोपी युवक गन्ने की झाड़ी का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बच्ची की हालत देखकर मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं अपनी मां को खुदागंज से दवा दिलाकर वापस आ रहे बच्ची के पिता रामपाल प्रजापति ने रास्ते में अपनी पुत्री को देखा तो वे दंग रह गया। पत्नी ने सारी घटना की जानकारी अपने पति को दी। तत्काल पीड़िता का पिता थाना खुदागंज पहुंचा। उसने सारी घटनाक्रम को थाना अध्यक्ष को लिखित रूप से अवगत कराया। दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष खुदागंज बकार अहमद खान ने महज 30 मिनट के अंदर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल खबर लिखे जाने तक बच्ची को जिला अस्पताल डॉक्टरी परीक्षण के लिए भेज दिया है। ये घटना कल शाम की है, करीब 3:30-4 बजे के आसपास ये घटना हुई है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर गए। इसके बाद उस पीड़िता से यहाँ एक अपर पुलिस अधीक्षक हैं जो महिला अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, उनके द्वारा पूरी संवेदनशीलता के साथ उस पीड़िता से वार्ता की गई, उससे समझा गया क्या उसके साथ हुआ और उसके आधार पर अभियुक्त की गिरफ्तारी तत्काल कर ली गई विद इन एन आवर। और उसके बाद यहाँ से फील्ड यूनिट को भी तुरंत रश किया गया और जो भी इसमें वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उनको जो नियमानुसार संकलित कराया गया, ताकि जो हमारा जो विवेचना है हमारी वो पूरी तरह से वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित भी हो। और इसमें SO को ये बता भी दिया गया है कि इसका शीघ्र इसमें साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए विवेचना निस्तारित करेंगे। और जिला जज महोदय से भी अनुरोध किया गया है कि इसमें जैसे ही इसमें आरोप पत्र प्रेषित हो जाता है तो इसको फास्ट ट्रैक कराते हुए इसमें जो दोषी है उसको तुरंत सजा दिलाई जा सके। जी, ये अभी सुबह से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की बातें आ रही हैं कि उसके साथ अप्राकृतिक तरीके से गन्ने को लेकर और इस तरह से कुछ चोटें पहुंचाई गई हैं बच्ची को, पीड़िता को, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई ये सब बिना किसी आधार के इस तरह की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि स्वयं पीड़िता से ही बात हुई है हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी की, जनपद की महिला अधिकारी की वार्ता हुई है, तो इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है। मेरा अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से भी और वैसे भी सभी लोगों से कि इस तरह की जो अपुष्ट खबरें हैं इसको सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, इससे जनता में एक गलत मैसेज भी जाता है और यदि यह पुष्ट नहीं होता है तो फिर कार्रवाई भी करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे।